ओके तो आज का टॉपिक है वो है कुछ कुछ कुची साकियो कुची उन कुछ हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका मेरी चैनल पे बहुत सारा स्वागत है एंड अगेन आपके सामने मैं आ गई हूँ। एंड आज फिर से मैं एक हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ आपके डिमांड पे, क्योंकि इतना ज्यादा हॉरर वीडियो का डिमांड आता है ना। एंड हमेशा मैं रात को शूट करती हूँ, आज भी मैं रात को शूट कर रही हूँ, पर डर लग रहा है इसलिए मैंने खूब सारा मेकअप कर लिया है कि मतलब भूत भी मुझसे प्रसन्न हो जाएगा कि ओए ओए शर्मा गए क्या, कहाँ चली गई मैं। हाँ तो आज का जो टॉपिक है वो कुची साकी ओना का आज पूरा स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर गलत नाम ले रही हूँ तो प्लीज डोंट माइंड, अब मेरा इतना अच्छा भी समझ गया ना। हाँ तो आज इसका स्टोरी मैं डिफाइन करने वाली हूँ बहुत मजे के साथ एंड डोंट वरी हॉरर वीडियो पर मैं हंसूंगी नहीं। हंसी मुझसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे अभी तक। एंड मैं अगर प्यारी लग रही हूँ, प्यारी तो लग रही हूँ मुझे भी पता है, तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। एंड चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो कहानी है ये 1970 जापान की ये कहानी है। जापान में ऐसा काफी ज्यादा अफवाह फैल गया था, मतलब अफवाह कह सकते हो या रियलिटी कह सकते हो, लोगों में ये बहुत ज्यादा ये एक चीज फैल गई थी। वो लोगों का कहना ये था कि जब भी वो रात को अकेले ट्रैवल करते हैं, याद रखना अकेले ट्रैवल करते हैं, तो हमेशा उन्हें रोड पे मतलब जहां पे भी वो अकेले ट्रैवल करते हैं उन्हें एक औरत दिखती है जो कि सर्जिकल मास्क लगाए हुए होती है। सर्जिकल मास्क का मतलब है वो जो डॉक्टर सर्जरी करते वक्त जो मास्क यूज करते हैं शायद वही, तो वो लगाए हुए एक औरत उन्हें दिखती है। लोगों का ये भी कहना था कि जो भी उस औरत के सामने आता है, मतलब वो औरत उसके पास जाके उसे पूछती है कि बताओ क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ, क्या मैं खूबसूरत दिख रही हूँ। अगर किसी का भी कहना होता था कि नहीं तुम सुंदर नहीं दिख रही हो, तो उसके पास एक कैंची हुआ करता था, कैंची सीजर जिसे बोलते हैं, वो उससे उसे मार देती थी और वो वहीं पे मर जाता था। लेकिन अगर किसी का कहना ये होता था कि हाँ तुम सुंदर दिख रही हो, तो वो अपने मास्क को उतार कर एंड देन अगेन उसे पूछती थी कि तुम अब बताओ क्या मैं अभी भी खूबसूरत दिख रही हूँ। तो जो भी वो वहां पे रहता था वो बोलता था नहीं, अगर वो फिर से बोलता था नहीं तुम खूबसूरत नहीं दिख रही हो, तो फिर भी उसे वो मार देती थी। लेकिन अगर किसी का कहना होता था कि हाँ तुम फिर भी खूबसूरत दिख रही हो, तो वो क्या करती थी, उसी कैंची से उसके दोनों इस तरीके दोनों जबड़ों को, जबड़े ही बोलते हैं ना, पूरा काट देती थी, जिसकी वजह से उसका जो भी जिसकी भी काटती थी उसका वहीं पे डेथ हो जाता था। लोगों में इसका खौफ बहुत ज्यादा बढ़ गया था एंड धीरे धीरे ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, मतलब 1970 से लेकर ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 1989 का बात है, उस वक्त का सिचुएशन ऐसा हो गया था कि मतलब पहले तो वो लड़के लड़की जो बड़े लोग होते थे उस पर वो हमला करती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसका जो कुची साकी ओना उसको कहा जाता था, उसका जो आतंक है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। बढ़ने की वजह ये थी कि वो अब बच्चों पे भी हमला करती थी, मतलब रात के समय जो भी उसे बच्चा बच्ची जो भी दिख जाती थी वो उस पे भी सेम हमला करती थी। एंड ये इतना ज्यादा लोगों में इसका खौफ हो गया था कि वो अपने बच्चों को घर से बाहर तक नहीं भेजते थे एंड ना ही वो खुद बाहर जाते थे, इतना ज्यादा खौफ इसका सबके दिल में बैठ गया था। एंड लोगों का ये भी कहना था कि वो जब ग्रुप में जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो अगर अकेले रहते हैं तभी ये केस होता है, और अपने बच्चों को भी वो घर से बाहर नहीं भेजते थे एंड अगर पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए भी वो टीचर की निगरानी में भेजते थे, या तो फिर किसी के साथ भेजते थे, या तो फिर वो ग्रुप में अपने बच्चों को भेजते थे ताकि उसे कुछ हो ना। एंड लोग भी क्या होता था बाहर भी अपने ग्रुप में जाते थे एंड ज्यादातर वो रात को निकलने से लोग कतराने लगे। एंड ये जब हमला बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वहां की सरकार ने पुलिस को इत्तला किया, मतलब वहां ज्यादा बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ाई गई, हर जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया ताकि ये जो सिचुएशन है ये कंट्रोल में किया जा सके। इसी तरह जब जांच पड़ताल चल रहा था, मतलब हर तरफ पुलिस लगे हुए थे, तो इस तरफ पुलिस की ही एक गाड़ी से एक औरत का एक्सीडेंट होता है, जो कि वो औरत एक बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ा रही थी, बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो जब पुलिस ने उस औरत को देखा तो उसके भी यहां से यहां तक कट्स लगे हुए थे। लोगों का कहना है कि वही कुची साकी ओना थी जिसके जो वहां पर गिर गई थी, एंड अभी तक उसके पीछे का डिटेल किसी को भी पता नहीं है कि वो औरत कौन थी, या वही थी कुची साकी ओना या फिर कोई और थी, किसी को भी इसके ऊपर का नॉलेज नहीं है। अब लोगों के दिमाग में उठता है कि ये कुची साकी ओना थी कौन, ये ऐसा क्यों करती थी, इसके बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। वैसे तो कोई भी अभी तक कंफर्म नहीं है इसकी बैकग्राउंड स्टोरी, पर एक जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना हाईलाइटेड है कि यही उसकी स्टोरी है। उसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो ये है कि 1200 साल पहले की बात है, वो एक औरत जो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, एंड उस औरत को अपने चेहरे पर अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा घमंड था, क्योंकि वो खूबसूरत थी इसलिए उसको बहुत ज्यादा घमंड था। एंड वो किसी के साथ रिलेशनशिप में भी थी, किसी के साथ अटैच भी थी, लेकिन क्योंकि उसे इतना ज्यादा अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया
गया था कि वो और भी लोगों से रिलेशन बनाती थी, रिलेशन इन द सेंस कि वो सेक्सुअल रिलेशन बनाती थी और भी लोगों से, लेकिन वो जिसके साथ कमिटेड थी उसको ये बात जब पता चला तो उसने उसको ऑफकोर्स काफी ज्यादा गुस्सा आया होगा। उसने क्या किया, उसकी उसको मतलब लड़की को काफी ज्यादा वो घमंड था ना, तो उसका घमंड को खत्म करने के लिए उसके बंदे ने, हाँ मतलब उसी के वो जो उस बंद लड़का जो भी है उसके बंदे ने क्या किया, उसके कैची से या किसी चीज से उसकी यहां से कान तक जितने भी थे ना उसको पूरा काट दिया, जिसकी वजह से उस औरत का वहीं पे डेथ हो गया। और उस लड़के ने ये भी कहते हुए काटा था कि तुम्हें बहुत ज्यादा घमंड है ना अपने चेहरे पर, तो लो इस चेहरे को ही मैं खराब कर दे रहा हूं, जिससे तुम्हें आज के बाद कोई नहीं बोल पाएगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। इसी का जो वो है ना लोगों से सुनने के लिए वो ये सब करती थी एंड लोगों से पूछती थी क्या मैं खूबसूरत दिख रही हूं या नहीं। ये कहानी अभी भी कंफर्म नहीं है लेकिन काफी ज्यादा पॉपुलर और हाईलाइटेड यही कहानी है कि इसके पीछे की स्टोरी यही है, बट नोबडी नोज के क्या है बैकग्राउंड स्टोरी। ये काफी ज्यादा कहते हैं ना खतरनाक स्टोरी है, आई नो, लेकिन आई डोंट नो कि ये रियल है या नहीं है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आप अगर मैंने कुछ गलत बताया होगा तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताना कि कहां पे मैं चूक गई। आई होप मेरा जो आपको मुझे पता है कि आपको मेरी स्टोरी सुनने में काफी अच्छी लगती है, तो आई होप मैंने अच्छे से समझाया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड थोड़ा सा भी मैं अच्छी दिख रही हूं तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो एंड इंस्टाग्राम का लिंक नेम सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझसे रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं बहुत कम ये करती हूँ, क्या बोलते हैं उसे, Q&A वीडियो करती रहती हूँ। सो बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल गाइस, बाय।